इसमें क्या बात है? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की गठ की आज यहाँ पर तमाम ही पार्टी के अहदेदारान तमाम ही सेल के सदर साबिक कारपोरेटर और इच्छुक उम्मीदवार और जिम्मेदार इनकी आज हम लोगों ने मीटिंग ली थी और मीटिंग के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन के ताल्लुक से चर्चा की गई, सलाह मशवरा किया गया और ये बात तय की गई कि मौलाना उमरैन साहब दो दिन में अपना फैसला लेने वाले हैं, इलेक्शन लड़ना है उनको या नहीं लड़ना है। उनके फैसले के बाद हम लोग दोबारा जनरल मीटिंग लेंगे, अगर उनका फैसला हाँ में आएगा तो मीटिंग लेकर सलाह मशवरा करके उनको हिमायत देना है ऐसा सलाह मशवरा किया जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर मौलाना ने नहीं कहा तो भी मीटिंग ली जाएंगी और उसमें मुझे इलेक्शन लड़ना है या नहीं उस पर भी सलाह मशवरा किया जाएगा और अगर नहीं लड़ना है तो इंडिया आघाड़ी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के ताल्लुक से भी सलाह मशवरा करके हमारी शरायत के ऊपर इलेक्शन में उनको हिमायत देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसका तमाम ही चीज़ों का फैसला दो दिन के बाद होगा मौलाना उमरैन के फैसले के बाद। ये फैसला आज किया गया और तीन मई को शहर में एक बड़ा जलसा लेने का भी फैसला हुआ है, उसकी जगह वगैरह हम लोग आपके ज़रिए आवाम को बताएंगे और एक कमेटी बनाने का इख्तियार मुझको दिया गया है जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए एक कमेटी होगी, वो कमेटी पूरा शहर का इलेक्शन अपनी निगरानी में लड़ा जाएगा। ये आज फैसला हुआ है इसीलिए आज की मीटिंग रखी गई। आज दिन कितने बचे आसिफ साहब? दिन काफ़ी कम है ना, आप भी देरी कर देंगे वो भी देरी कर देंगे तो कैसे तैयारी होगी, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना है? पार्लियामेंट का इलेक्शन है, देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है और देश के एक आलिम दीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े आलिम जो हमारे शहर से ताल्लुक रखते मौलाना उमरैन साहब उनको फैसला लेना है, वो भी बड़ा फैसला लेना है तो मैं समझता हूँ उनको वक्त देना चाहिए। आज इंडिया अलायंस की जो है मीटिंग हुई लेकिन उसमें आप नजर नहीं है, क्या बात? इंडिया अलायंस की जो आज ऐश्वर्या मंगल कार्यालय के अंदर हॉल के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें मुझे दावत दी गई थी, डॉक्टर शोभा बच्छाव कल मुझसे मुलाकात की, इनविटेशन दिया, दावत दी गई थी लेकिन मैंने वहाँ पर जाने इसलिए नहीं मैं गया कि जब तक मौलाना उमरैन साहब का फैसला नहीं आ जाता वहाँ जाना आज ठीक नहीं था, न तो कल हम इनको भी बता रहे हैं कि हम आपके साथ रहने के लिए तैयारी बता रहे हैं और कल उनके भी साथ बैठ के हमने स्टेज पर बैठ के तैयारी बताना, फिर तीसरा उम्मीदवार कल आएगा हमारे साथ बैठो तो ये ठीक नहीं है, इसके लिए आज मैं नहीं गया। मौलाना उमरैन के फैसले के बाद ही मैं कहीं भी स्टेज पे जाकर बैठूंगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, इंडिया अलायंस ने एक भी उम्मीदवार को नहीं दिया, अगर मालेगांव से मौलाना उमरैन ख्वाहिशमंद है या आप ख्वाहिशमंद है तो इंडिया अलायंस को हर जगह आए, क्या लगता है आप? इस देश के अंदर तो मुसलमानों का ये हाल है कि जब इलेक्शन आता है तो यतीम खाने से बच्चे को निकाला जाता है और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो यतीम खाने में दोबारा डाल दिया जाता है उसको, ये हालत मुसलमानों की इस मुल्क में है। बहरहाल देना चाहिए था नहीं दिया गया, बहरहाल आज बीजेपी से लड़ना बहुत अहम है, बीजेपी को हराना बहुत अहम है, संविधान बचाना बहुत अहम है, इसके लिए हमेशा मुसलमानों ने आज़ादी भी कुर्बानियाँ दी, 50-75 सालों से कुर्बानियाँ दे रहे, ये इलेक्शन में भी कुर्बानी दे देंगे, क्या हमारा क्या नुकसान होने वाला है? हमेशा नुकसान हुआ, इस मतलब है कि साइन कर लेना चाहिए। अगर मौलाना ने नो कहा, अगर आपने इच्छा जताई तो बगावत हो जाएगी ना एनसीपी समाज से, शरद पवार से? तुम ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पहले पॉजिटिव सोचो कि मौलाना हाँ बोले और अगर एक आलिम दीन और हम सब मिलकर एक मुश्तरका शहर उनके साथ खड़ा हो जाए तो तन मन धन हम सब लगाने की ये सलाह मशवरा करने वाले हैं, तो अभी नेगेटिव मत सोचो पॉजिटिव सोचो। मौजूदा MLA इस्माइल ने कहा कि मौलाना उमरैन मेरे मुखालफिन जो है मौलाना उमरैन और मुझ में इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं, क्या कहें? भले आपस का घर का झगड़ा
उनके घर के बर्तन आवाज कर रहे आवाज। कल मौलाना कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा कि मौलाना को मैंने मशवरा दिया आप इलेक्शन मत लड़ो, लेकिन अंदर मेरी मालूमात अंदर कुछ कहा और बाहर कुछ बोल रहे हैं ना, उनकी बात में तफावत है। कल वो बोल रहे हैं कि मैंने कहा मौलाना को मेरा मशवरा इलेक्शन मत लड़ो, आज उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं मौलाना ने लड़ना चाहिए। तो पहले एक अपना खुद का घर का फैसला दुरुस्त करो, बाद में दूसरों पर तनकीद करना। हमेशा इन्होंने इल्ज़ाम लगा कर तो सियासत की है, झूठ फसाद करके सियासत की है, और आगे भी उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है।